जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 31 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटरिंग कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो कहाँ पर बना रहा है यह बताना है, ताइवान में, हांगकांग में, बीजिंग में या तिब्बत में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, तिब्बत। तिब्बत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे जो है ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा केंद्र चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की डाटा भंडारण जरूरतों को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर दो है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। चार विकल्प दिए गए हैं, फ्रांस, रूस या संयुक्त राज्य या जापान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यह आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के 11,000 सेट खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है अपने यहाँ पर। चार विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ईओएस वन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आने वाले 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO-01 और 9 कस्टमर सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर चार है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर चार का। चार विकल्प दिए गए हैं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर क्या है, डी, विकल्प नंबर डी, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। भारत ने 28 अक्टूबर 2020 को मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की ऋण व्यवस्था की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर पांच है। तो चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, कैमरून या नाइजीरिया, डेनमार्क, कंबोडिया। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर पांच है अपना, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि कंबोडिया। कंबोडिया यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है इसका सही आंसर? धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह पोर्टल लॉन्च किया है यह बताना है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर छह का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है? तेलंगाना, बिल्कुल सही, तेलंगाना आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
जो तेलंगाना है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन, के चंद्रशेखर राव। तो इन्होंने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग किया है? तो बताइए DRDO या इसरो या भारतीय सेना या प्रादेशिक सेना। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भारतीय सेना। बिल्कुल सही, भारतीय सेना आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई कौन सी राज्य सरकार है? क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो वह किया है उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? उत्तर प्रदेश। यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ऐसे मरीज जो कोरोना पीड़ित ना होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, उनकी इलाज से पूर्व की जाने वाली कोरोना जांच में सस्ती जो है कर दी जाएगी, इसके कर दी है। और इसके तहत जहां नॉन कोविड केयर के मरीजों की कोरोना वायरस की RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपये निर्धारित कर दी है। अभी तक ऐसे मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपये लगते देने पड़ते थे। पहले 1500 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब कितनी कर दी है? 600 रुपये कर दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चार विकल्प दिए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है इसका सही आंसर? 5 अरब अमेरिकी डॉलर, 7 अरब अमेरिकी डॉलर या 1 अरब अमेरिकी डॉलर या 3 अरब अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में जारी बैंक की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस ऋण से भारत में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों के कारोबारी संचालन के लिए धन के सुचारू प्रवाह में मदद मिलेगी। समझौता के तहत 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि अन्य भागीदार जो बैंक होंगी वह देंगी। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर क्या है? कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, सॉरी यहाँ पर 4 4 जो है दो डबल विकल्प हो गए हैं, 2 साल। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है अपना यहाँ पर, और इसका राइट आंसर है 2 साल, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। और ट्रैक एवं फील्ड की एथलेटिक्स एंटीग्रिटी यूनिट ने कहा है कि कोलमेन पर 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है, और इस कारण वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। और जो है अब आपका चैलेंज प्रश्न है पिछले वीडियो का, क्या है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था?
कौन सा है यह बताना है। तो इसका आंसर बताया था बहुत सारे लोगों ने, और इसका सही आंसर है उड़ीसा, विकल्प नंबर एक सॉरी सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अब है आपका चैलेंज प्रश्न क्या है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है यह बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताएंगे और विस्तृत लिखेंगे तो आपका कमेंट अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम बताना है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए गए हैं और इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो तीन प्लान यहाँ पर हैं, तो आप जौन सा भी प्लान खरीदना चाहते हैं खरीद लें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। इससे आपको क्या फायदा है, तो इससे आपको फायदा है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जिसमें ज्वाइन मेंबर ओनली ज्वाइन मेंबर ही जुड़े रहते हैं। उसमें आपके लिए जो भी लाइव क्लास या वीडियो बनते हैं तो उसकी जो PDF फाइल रहती है वह सबसे पहले आपके लिए ज्वाइन ग्रुप में दी जाती है, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए वहीं ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारे आपके फायदे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसको भी ज्वाइन मेंबर बनना है तो बन जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।